फाइनली वन पीस का वो चैप्टर आ गया जिसको लेकर के बहुत सारे फैंस जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और भाई जो तुम सबने स्टार्टिंग में देखा वो देखने के बाद प्लस इस चैप्टर को अगर तुमने रीड कर लिया है तो मुझे जरा कमेंट बॉक्स में अभी बताओ, क्या तुम सबने ये पहले सोचा था, ये एक्सपेक्ट किया था कि भाई लॉ एक योंको को इस गंदी तरह से मारेगा? मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया था। हाँ मैं जानता था लॉ स्ट्रांग हुआ है, लॉ स्ट्रांग है, लेकिन भाई ब्लैक बियर्ड के क्रू को इस तरह से लॉ का क्रू मिलके पीटेगा, मैंने ये चीज सपने में भी नहीं सोचा था। भाई लॉ का जो सिप है वो पनडुब्बी जिस तरह से है उसका क्रू मिलके ब्लैक बियर्ड के सिप सेवर ऑफ ज़ेबक को टाइटैनिक की तरह डुबाए जा रहे हैं, और इधर ब्लैक बियर्ड को भाई वही हाल कर दिया जो लॉ ने बिग मॉम का किया था ओनिगासिमा रेड के टाइम पे। भाई बंदा क्या ही लड़ रहा है। खैर चलो चैप्टर के ऊपर बात करते हैं फुल एकदम शुरू से लास्ट तक कि आखिर ये चैप्टर किस प्रकार का था और मेरा क्या मानना है इस पूरे चैप्टर को लेकर के प्लस इन चैप्टर पे होने वाले इवेंट्स को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के टाइटल की जो कि है फिलहाल अभी तक जिस वेबसाइट से मैं रीड कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफिशियल में जब आएगा तो हो सकता है ट्रांसलेशन चेंज हो जाए, बट फिलहाल के लिए चैप्टर 1064 का टाइटल रखा गया है एग हेड्स रिसर्च स्ट्रैटम। और देखो ये चैप्टर का टाइटल मुझे थोड़ा यूनिक सा लगा, बिकॉज मुझे लगा था यहाँ पर ब्लैक बियर्ड वर्सेस लॉ इस टाइप का टाइटल शायद ओडा देंगे, लेकिन वो चीज नहीं दिया। खैर यहाँ पर हमें कवर पेज में दिखाया जाता आउकीजी को और उसके साथ जो है वैन ऑगर भी है, और ये दोनों हमें दिखाया जा रहे हैं पुडिंग को होस्टेज बनाए हुए। इसके बाद करीब बहुत सारे पेजेस में हमें लॉ वर्सेस ब्लैक बियर्ड के फाइट्स देखने को मिलते हैं, प्लस लॉ का क्रू और ब्लैक बियर्ड का क्रू भी फाइट करता हुआ नजर आता है अपने अपने अंदाज में। देखो यार हम सबको पता है लॉ का क्रू उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो जिस हिसाब से फाइट करते हैं ब्लैक बियर्ड के क्रू के खिलाफ, देखो लॉ एक योंको नहीं है और ब्लैक बियर्ड एक योंको है, तो योंको का नाम सुनने से ही भाई न्यू वर्ल्ड में उनका राज चलता है, उनका नाम सुनने से ही ऐसे वैसे को तहलका मच जाता है। पर यहाँ पर लॉ जिस हिसाब से फाइट कर रहा है भाई, ये बता रहा है कि एक हफ्ते पहले मैंने एक योंको को जिंदा गाड़ दिया था, अब तू दूसरा है, ज़्यादा सियानागिरी किया तो तेरे को भी गाड़ दूंगा। वैसे देखो ब्लैक बियर्ड नहीं मरेगा वो मेरे को पता है, और बुढ़िया भी नहीं मरी है वो बच जाएगी, कहीं पर भी कन्फर्म नहीं हुआ है, उस पर मैं आगे बात करूंगा। लेकिन जिस हिसाब से लॉ फाइट कर रहा है प्लस उसका क्रू फाइट कर रहा है ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पूरा पेज अगर तुम पढ़ो ये लोग अपने स्ट्रेंथ पे फाइट कर रहे हैं, अपने वीकनेस के तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। लॉ जिस हिसाब से घोड़े को काटता है प्लस ब्लैक बियर्ड को भाई इस पावर का अंदाजा नहीं था, मैं खुद हैरान हो गया था कि क्या ब्लैक बियर्ड को उसके डेविल फ्रूट के बारे में ठीक से नहीं पता। मुझे शायद लगता है ब्लैक बियर्ड हड़बड़ी में, मतलब वो बिना किसी प्लानिंग के यहाँ पर भिड़ने आ गया, वो डायरेक्ट भाई योंको है ना, और वो तो नॉर्मल सा वर्स्ट जनरेशन का मेंबर है, इस वजह से आके शायद डायरेक्ट हमला कर दिया। अगर ये चीज करेगा तो ब्लैक बियर्ड वही चीज झेल रहा है और उसको थोड़ा प्लान बना के आना चाहिए था। यहाँ पर देखो लॉ के क्रू और लूफी के क्रू में फाइट करने का तरीका डिफरेंस है दोनों में बहुत ज़्यादा, मैं तुमको बताता हूँ। जैसे लूफी का क्रू, ये लोग जब फाइट करते हैं ना तो ये लोग सीधे जाते रहते हैं, सामने एक ओपोनेंट आता है, एक जन बोलता है मैं इसको संभालता हूँ, बाकी लोग आगे जाओ। जैसे सांजी, लूफी और जिनबे आगे जा रहे थे ओनिगासिमा रेड में ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, तो रास्ते में हुज़ू आ जाता है, तो वहाँ पर रास्ते में जो है जिनबे रुक जाता है कि मैं इसको संभालता हूँ, आगे तुम दोनों जाओ। उसके बाद सांजी जो है लौंडियाबाजी करने के चक्कर में फंस जाता है, वो बात अलग है कि ब्लैक मारिया का तो बहुत गंदा पीटता है, लेकिन ये लोग ऐसे हैं धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। लॉ का क्रू का क्या सोचना है, लॉ का थिंकिंग थोड़ा अलग है, सामने कोई आता है एक काम करता है, सबको ही मिलके पहले इसको मारते हैं, टाइम वेस्ट कम होगा और जल्दी इसको भी निपटा देंगे, उसके बाद अगर नेक्स्ट आता है तो उसको भी मारेंगे और लास्ट वाले को भी ये लोग सब मिलके मारते हैं। इनका फाइट करने का या कह लो सोचने का तरीका ऐसा है। प्लस ये लोग जो है नॉर्थ ब्लू से हैं और इनको जो है समुंदर में फाइट करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये चीज़ हमें जो देखने को मिलता है। और जिस हिसाब से यार ब्लैक बियर्ड का सिर्फ टाइटैनिक बनता है देखने में बड़ा मज़ा आता है। खैर
इसके बाद जो है हमें पुडिंग को दिखाया जाता है जो कि फिलहाल ब्लैकबियर्ड के यहाँ पे कैद है। यहाँ पर देखो जिस हिसाब से स्पॉइलर पहले बार निकल के आए थे उनको जो है दिखाया गया था, वहाँ पर बोला गया था कि पुडिंग का आई अवेकन हो चुका है। मैंने जब ये पढ़ा था मैं खुद हैरान सा हो गया था और बोला गया था पुडिंग के द्वारा कि बिग मॉम मर चुकी है, बट ऐसा नहीं है एक्चुअली में। फिर आने वाले स्पॉइलर्स में चीज़ें चेंज हुई, एक्चुअली में ये कहीं पर कन्फर्म नहीं है कि उसका आई अवेकन हुआ है, प्लस बुढ़िया मरी है कि नहीं ये कन्फर्म नहीं है। मेरे हिसाब से बुढ़िया बच गई है, काइडो भी बच जाएगा, बस वो लोग शायद इंजर्ड होंगे। और पुडिंग का ये कहना सही है कि अगर बिग मॉम अलाइव है तो बहुत गंदा मारेगी इन लोगों को, पुडिंग को जिस हिसाब से किडनैप किया है, प्लस काइडो को भी अगर पता चलेगा तो काइडो भी आके बदले लेगा क्योंकि वो दोनों वन पीस खोजना चाहते थे। और पॉनक्लिफ कौन रीड करती? पुडिंग। अब हाँ देखो अकाइनो को भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दिया गया है, अकाइनो अपना माथा फोड़ रहा है बिकॉज वो फ्लीट एडमिरल है और वो फाइनली कह देता है कि फ्लीट एडमिरल बनना बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। बिकॉज देखो इससे पहले जब अकाइनो चीज़ें करता था, सेनगोकु संभालता था, वो फ्लीट एडमिरल था, ये अपना मन से किसी को भी ठोक देता था, किसी को भी जला डालता था, किसी को भी उड़ा देता था, कुछ भी करता था, बाकी तो फ्लीट एडमिरल झेलेगा। अब इसका सीन क्या है, लीडर तुम हो, बाकी चीज़ें हैंडल करो, मतलब जो आतंक मचाता था वही अब शरीफ बन के बैठा हुआ है और अपना माथा फोड़ रहा है। खैर इसके अलावा यहाँ पर हमें इसके बाद जो है ले जाया जाता है एग हेड आइलैंड में। यहाँ पर देखो उस कुमा वाले रोबोट से बचने के लिए बॉनी अपने पावर को यूज़ करके खुद को और जिनबे को एज घटा लेती है और वहीं चॉपर और लूफी का एज बढ़ा देती है। यहाँ पर हमें लूफी बूढ़ा वाला नज़र आता है। यहाँ पर देखो जिनबे मुझे थोड़ा राक्षस टाइप नज़र आ रहा है बिकॉज उसके दांत, और जो बॉनी है वो क्यूट नज़र आ रही है। अब यहाँ पर देखो हमें कुमा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे कि वो एक किंग था पहले। अब देखो ये चीज हमें पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन कुमा एक स्पेशल रेस है ये बात नहीं पता था, ये बहुत ही तगड़ा वाला झटका दिया जाता है। प्लस यहाँ पर हमें ज्वेलरी बॉनी जो है लाइट सेवर यूज करती हुई नजर आती है। अब देखो स्टार वॉर्स फैन, मैं एक स्टार वॉर फैन हूँ तो वो सब इस चीज को अच्छे से पहचानते हैं और लाइट सेवर का यूज बहुत तगड़ा दिखाया, बहुत बढ़िया से स्टार वॉर को मतलब रेफरेंस दिया है ओडा ने, बहुत बढ़िया किया। वैसे लूफी के ओल्ड लुक को देख करके मैं कहूँगा यार ऐसा वाला लूफी मैं नहीं देखना चाहता कि वो बूढ़ा होने के बाद ऐसे दिखे, लेकिन ये सब दोबारा से अपने नॉर्मल एज में आ जाते हैं जो कि मुझे अच्छा लगता है देखने में, ऐसे ही ठीक है यार। अब देखो अकॉर्डिंग टू ज्वेलरी बॉनी कुमा का वॉरलॉर्ड बनना, अपने आप को साइंटिस्ट के हवाले करना, ये सारी चीज़ें वो अपने आज़ादी के लिए किया था, इस वजह से नहीं कि वो पायरेट से नफरत करता था या फिर किसी और से नफरत करता था, वो तो असलियत में नफरत करता था वर्ल्ड गवर्नमेंट से। बहुत बढ़िया बात है बिकॉज वो एक रेवोल्यूशनरी आर्मी का मेम्बर है तो है। और देखो यार कुमा फ्यूचर में ठीक हो जाएगा, ये बात मुझे दिल से लगता है। इसके बाद हमें जो है वेगा पंक का लैब के बारे में पता चलता है कि वो कहाँ पर है, वो है भाई स्काइपिया के जैसे बादलों के ऊपर। और ये जो रोबोट है वेगा पंक ने जो बनाया है भाई पावर रेंजर की बार बार याद दिला रहा है, और ये जिस हिसाब से एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है, मैं देखना चाहता हूँ यार इस तरह का रोबोट थाउजेंड सनी में भी आए, मैं वो फ्रेंकी वाले रोबोट को देख के पक चुका हूँ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ वेगा पंक को लूफी के क्रू में आना चाहिए। खैर जोरो और ब्रुक का शिप में रुकना, बाकियों का जाना, ये सब यार सबके अपने अपने थॉट्स हैं, सबके अपने अपने थिंकिंग्स हैं। देखो एक हिसाब से बढ़िया ही हुआ क्योंकि जोरो अगर बाहर भटकता वो किसी ना किसी को काट देता बिकॉज वो तो भटकते रहता है, और अगर मान लो कुमा वाला रोबोट दिख जाता उसको काट देता फिर कहीं ना कहीं भटक के चल जाता, फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता चल जाता, फिर वहाँ नेवी आ जाती, वहाँ मारकाट मच जाता, जोरो बहुत गड़बड़ करता, इसी वजह से शिप में रह गया, बहुत अच्छा बात है। खैर देखो अब मैं सीधे बात करना चाहूँगा, नहीं नहीं मैं बात नहीं कर रहा हूँ सांजी और उसके टीम को लेके, बिकॉज सांजी तो भाई लौंडिया ताड़ने में व्यस्त है, नाम ही रॉबिन के पीछे ही पड़ा हुआ है, उनके कपड़ों के पीछे पड़ा हुआ है बिकॉज नए वाले कपड़े उसे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहे हैं पता नहीं क्यों। लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है वेगा पंक का ड्रैगन के साथ कनेक्शन होना। भाई देखो साका ये जो बंदा है पहली बात तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, प्लस ये बंदा जान चुका है ये मरने वाला है और ये ड्रैगन को बता रहा है। अब ड्रैगन को ये बता रहा है और ड्रैगन के साथ इसका खुफिया कनेक्शन होना, ये मुझे थोड़ा सरदर्द दे रहा है कि आखिर ड्रैगन अगर कनेक्शन था तो क्या ये दुश्मनों वाला था या दोस्ती वाला था? अगर ये दोस्ती वाला था
तो फिर मेरे को एक बात बताओ, कुमा के साथ ऐसा क्यों किया? ठीक है चलो, तुमने कुमा के रोबोट्स बनाए, पैसिफिस्टास बनाए, फिर तुमने सेराफिम बनाए, लेकिन कुमा को ऐसे पूरा फ्यूज करके छोड़ दिया, मतलब वो बस एक गुलाम की तरह है, उसका सोचने का क्षमता चला गया, ये गलत किया। प्लस ड्रैगन को ये बोल रहा है, इसके बजाय ये कह देता कुमा को मैं ठीक कर दूंगा, मेरे को बचा लो, कुछ हो जाता। लेकिन अब इसको पता है कि ये मरने वाला, बिकॉज सिटी जीरो वहाँ आ रहा है, और हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे वेगापंक हमें मरे हुए नजर आए और कोई एक वेगापंक बच जाए। लेकिन देखो पूरा जो चैप्टर था वो बहुत बढ़िया था। मुझे बीच के पार्ट थोड़े से स्लो लगे, बिकॉज वो जो जिस तरह से वेगापंक का लैब जहाँ पे है वहाँ पे ले जाया गया, वो वाला थोड़ा मेरे को पकाया, लेकिन ठीक है, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से एक्शन देखता हुआ आ रहा था, फिर चीज़ें बीच में रिवील हुई, फिर 70-80% जब मांगा घुसा तो वहाँ पर थोड़ा मुझे बोर किया, क्योंकि मैं पहले से ही स्टार्टिंग से हाइप वाली चीज़ें देखता हुआ नज़र आ रहा था, और फिर ये कहाँ पर लैब है ये चीज़ दिखाना जरूरी था, तो यहाँ पर इस वजह से मैं बोर हुआ। ये मेरा गलती है, ये मैं राइटर की गलती नहीं है, ये मेरा मतलब मानना है। लेकिन फिर जब एंड का पार्ट आता है वो सारी चीज़ें कवर कर देता है, और इसी वजह से ये वन पीस का वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर में से एक मैं कहता हूँ, और मैं इसको रेटिंग देना चाहूँगा 9.5 out of 10। अब हाँ, तुम में से बहुत सारे लोग इसको 10 out of 10 देंगे, दे दो यार, ये बनती भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, और जिस हिसाब से लॉ और ब्लैक बियर्ड का फाइट दिखा बहुत अच्छा बात है। अब यहाँ पर अगर आउकीजी एक्शन में दिखता है तो ब्लैक बियर्ड का कुछ चांस है, क्योंकि तब जा करके उसका शिप बच सकता है, वरना शिप को जिस हिसाब से डुबा रहे भाई टाइटैनिक बन जाएगा। खैर, तुम सबका क्या मानना है इस चैप्टर को लेकर कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो पसंद आया मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है, लाइक मारना, सब्सक्राइब करना, वो सब करना तुम्हारा काम है, कर लेना वो फॉर्मेलिटी, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।